जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आपने इस प्रोडक्ट के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। ये है क्रे एम्प मसल ब्रेस का, जो दोस्तों सच बताऊं काफ़ी ज़्यादा इस समय फेमस हो रहा है। और किस लिए फेमस हो रहा है वो भी इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। ये वीडियो बना ही इसलिए रहे हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा, मैं आप लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी देने आ रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूँ, मैं यहाँ पर आप लोगों को लैब रिपोर्ट करके दिखाने वाला नहीं हूँ, पर यहाँ पर मैं एक आपको बहुत ही खास चीज़ इस प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि इसको इस लीग में सबसे हटके बनाती है। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मसल ब्लेज ऑलरेडी अपनी पुरानी जो क्रेटीन है वो लाता ही था। जितने पुराने ब्रांड के मसल ब्लेज की सीरीज चलती थी उसमें क्रेटीन आते थे, पर ये थोड़ा सा वो जो ग्रेस टाइप के जो बॉक्सेज आते हैं ना, उस वाली सीरीज में इसको लेकर के आए। ये है क्रेम्प करके, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जाता है इसके अंदर खासियत क्या है। पहली बात तो ये है कि भाई इसमें सारी चीज़ों को इम्प्रूव कर दिया गया है, और साथ में यहाँ पर जो डिफरेंस ये आ रहा है इस प्रोडक्ट के अंदर, जो पुराने प्रोडक्ट से बेहतर इसको बनाते हैं, कि इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो पुराने प्रोडक्ट की तुलना में ज़्यादा है। मैं आपको समझाता हूँ काफ़ी कम शब्दों में। देखिए होता क्या है, जो हमारे जो नॉर्मल क्रिएटिन है उसके अंदर क्या होता है कि मतलब उसकी जो एब्जॉर्प्शन है काफ़ी सारे लोगों की बॉडी में ठीक से नहीं होती है। मसल जिसके पुराने क्रिएटिन में था, मतलब ख़राब नहीं है वो भी था, पर किसी चीज़ को कहते हैं ना कि बेहतर बनाना और इम्प्रूव करना, तो ये चीज़ इस प्रोडक्ट के अंदर हुई। इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है पुराने वाले क्रिएटिन से थोड़ी ज़्यादा है, और यहाँ पर होता क्या है कि जब आप इसको कंज्यूम करेंगे तो आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन जाहिर सी बात है बेटर होगी। जब एब्जॉर्प्शन बेटर होगी तो आपको रिजल्ट सामने अपने आप दिखेंगे, ठीक है। जैसे होता क्या है कि कई बार काफ़ी सारे लोगों के डाइजेशन या फिर इंटरनल बॉडी इश्यूज के कारण जो भी फूड है या जो भी आप चीज़ें कंज्यूम करते हैं सप्लीमेंट वगैरह, ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। ये हर एक पर्सन के लिए बनाया गया है, जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम जैसा भी हो उस पर 100% ये काम करेगा। किसी भी तरह की प्रॉब्लम, जैसे होता है भाई क्रिएटिन मैंने खाया मेरे को फ़र्क नहीं दिखा, तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी इतनी अच्छी है कि किसी पर्सन का कैसा भी डाइजेशन हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो बॉडी के अंदर, फूड की न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन खराब होती है, होती होती, फिर भी उसको रिजल्ट दिखेंगे। मतलब बॉडी में साइज इंक्रीमेंट होगा अगर आपने इसको ठीक से कंज्यूम करा, टाइम टू टाइम कंज्यूम करा, लोडिंग फेज मतलब पूरा करा, फिर इसको आपने जितना मेंटेनेंस फेज इसका होता है जो रेगुलर कंजम्पशन होता है उसको वैसे करा, तो प्रॉपर आपकी बॉडी में बड़े आराम से आप देखेंगे 1 से 2 हफ्ते के अंदर भयंकर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, भयंकर वेट पुट ऑन होगा, मसल के अंदर जो वॉल्यूम है वो आपको बढ़ती देखने मिलेगी। यकीन मानिए, आप फोटो खींच के रख लें 1 हफ्ता पहले की, मतलब जब आप शुरू करने वाले, हफ्ता पहले एक आप एक फोटो खींच के रख लें और लगभग 1 से 2 हफ्ते बाद आप एक फोटो फिर से खींच करके देखें, आपको विजिबल डिफरेंस दिखेगा। पर एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको डाइट में अपनी पूर्ति करनी होगी, आपको थोड़े बहुत कार्ब्स प्रोटीन वगैरह बैलेंस करने होंगे, तभी आपको रिजल्ट दिखेगा। और एक चीज, इसका जो कंजम्पशन का टाइम है ना, अगर वो आपने बैलेंस कर दिया, रिजल्ट लाजवाब होंगे। कंजम्पशन का टाइम अगर मैं आपको बताऊं, या तो देखिए एक्सरसाइज से मतलब आधा एक घंटा पहले जो आप अपनी मील खा करके आते हैं उसमें ले सकते हैं, या फिर एक्सरसाइज के बाद प्रोटीन में आप इसको ले सकते हैं। ऐसे वो चीज़ नहीं है कि आपको भाई इसको सुबह ऐसे लेना वैसे लेना, या तो सबसे बढ़िया टाइम है कि आप सोने से पहले आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं, ताकि आपके मॉर्निंग में मसल्स के अंदर फुलनेस आपको नजर आए। तो ये कुछ तरीके ले रहे। और बाकी ये जो मसल ब्रेस का क्रैम्प, जो आपका जो क्रिएटिन है, इसकी जो प्राइसिंग है वो भी काफ़ी सही है, ऐसे कर रहा है, कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं है। पर सबसे बड़ी बात ये है कि ट्रस्टिफाइड है, मतलब इसका लैब टेस्ट वगैरह ऑलरेडी हो चुका है, इसके अंदर कोई भी ऐसे कोई भी हैवी मेटल्स वगैरह नहीं पड़े जो कि आपकी बॉडी को नुकसान करे, कोई प्रॉब्लम आपको देखने को मिले। तो देरी किस बात की, आप लोग ट्राई करके देखें। मेरे को तो सबसे बड़ी बात है कि जब मैंने इसको ट्राई करा अपने एक फ्रेंड से लेकर के कुछ दिन के लिए ट्राई करा, तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ मेरे को ये देखने को मिली कि भाई स्ट्रेंथ में थोड़ी बहुत इंक्रीमेंट हुई, और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई बॉडी में एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत जल्दी मेरे को देखने को मिली क्रिएटिन की। क्योंकि औसत तो आप जो क्रिएटिन का जो मतलब डिफरेंस देखने को मेरे को मिलता था वो 10 से 15 दिन लग जाता था, पर इस वाले क्रिएटिन में मेरे को लगभग 4 से 5 दिन देखने को मिला कि भाई उसके बाद बॉडी में चेंजेस थोड़े बहुत नजर आने लगे, ठीक है। बाकी देखिए दोस्तों, सबकी बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, आप सब लोगों को बात चाहे झूठी लगे चाहे सच लगे, पर ये एक्चुअल में बात है कि मेरी बॉडी में डिफरेंस देखने को मिला था। बॉक्स अभी मेरे पास नहीं है, बॉक्स मैंने फ्रेंड को लौटा दिया था। अगर आप लोगों को देखे दोस्तों ट्रस्ट करना है तो आप वर्ड पर ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों झूठ दिखाने के लिए मैं डिब्बा लेकर के आ जाऊँ, मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, आप कहेंगे भाई डिब्बा तो नजर नहीं आ, डिब्बा तो मैं मांग करके ले आऊँ, आपको क्या भरोसा। सोचने वाले कुछ भी सोचेंगे, आप ये भी सोच सकते हैं कि भाई मेरे बारे में मैं तो बस ऐसे ही कह रहा हूँ। पर देखिए दोस्तों, अगर आप लोग एक ठीक तरीके से समझेंगे बात को, तो बात यही है। मेरे को क्या मिलेगा दोस्तों कि भाई इतनी बड़ी कंपनी ऑलरेडी, भाई उसको क्या ही मिलेगा मेरे को प्रमोट करके, भाई उनको मेरे प्रमोट करने से कुछ होगा, कुछ भी नहीं। एक आप मेरे को एक ऑडियंस की तरह देखें, जैसे आप लोग हैं वैसे मैं हूँ, मैं चीज़ ट्राई करके आप लोगों को बताया कि भाई आप लोग परचेस कर रहे हैं तो आपके पैसे वेस्ट ना हो, आपके पैसे सही जगह लगे, बस उस हिसाब से आप इस चीज़ को ले सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप एक बार इस प्रोडक्ट को ट्राई करके देख सकते हैं।